सो गाइस सर्वर टाइम आउट, इस प्रॉब्लम को हम सभी लोग फेस करते हैं जब कभी हम लोग इंटरनेट पर कोई भी चीज़ को सर्च कर रहे होते हैं। और यहाँ पर दोस्तों काफ़ी सारे लोगों को नहीं पता होता कि आखिर सर्वर टाइम आउट क्या होता है, क्यों होता है और इसको हम किस तरीके से ठीक कर सकते हैं। तो इस वीडियो में दोस्तों हम इसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। सो गाइस यहाँ पर सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि सर्वर टाइम आउट क्या होता है। सो गाइस यहाँ पर क्या होता है, जब भी हम लोग इंटरनेट चला रहे होते हैं तब दोस्तों एक कनेक्शन बिल्ड होता है सर्वर और क्लाइंट के बीच में, मतलब कि सर्वर और हमारे डिवाइस के बीच में जिसमें हम लोग इंटरनेट चला रहे होते हैं। तो इस केस में दोस्तों क्या होता है कि जो सर्वर और क्लाइंट होता है दोनों के बीच में डेटा का कम्युनिकेशन होता है, डेटा का आदान प्रदान होता है। और यहाँ पर दोस्तों कनेक्शन बिल्ड होने के साथ ही यहाँ पर दोस्तों एक रिस्पॉन्स टाइम होता है, उसको भी डिसाइड किया जाता है। क्या होता है दोस्तों, रिस्पॉन्स टाइम का मतलब ये होता है कि हमारे डिवाइस ने सर्वर तक कोई रिक्वेस्ट भेजी, फिर सर्वर उस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करके उसका प्रोसेस करके आपको रिटर्न डेटा सेंड करता है, रिटर्न आपको इन्फॉर्मेशन सेंड करता है। तो यहाँ पर दोस्तों इन्फॉर्मेशन वापस से आपके डिवाइस तक आने में जो टाइम लगता है उसको रिस्पॉन्स टाइम कहा जाता है। सो गाइस यहाँ पर ये जो रिस्पॉन्स टाइम होता है ये एक टाइम डिसाइड किया जाता है, और यदि उस टाइम के बीच में सर्वर के पास या फिर जो आपका क्लाइंट है उसके पास तक वो रिस्पॉन्स आ गया तो ठीक है, और यदि उस टाइम के बीच में रिस्पॉन्स नहीं आता है तो यहाँ पर दोस्तों सर्वर टाइम आउट की एरर सामने आ जाती है। सो गाइस अब हम लोग बात करते हैं कि आखिर ये जो प्रॉब्लम होती है ये किन किन रीजन की वजह से आती है। सो गाइस यहाँ पर ये जो प्रॉब्लम आती है मेनली दो रीजन की वजह से आती है, दो तरफ से आती है, एक होता है आपके एक सर्वर की तरफ से, दूसरा होता है आपके क्लाइंट की तरफ से। सो गाइस यहाँ पर सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि सर्वर के साइड से किस तरह की प्रॉब्लम आती है। यहाँ पर दोस्तों क्या होता है, कई बार कोई एक पर्टिकुलर वेबसाइट होती है और उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा लोग उसको यूज़ कर रहे होते हैं, उस पर काफ़ी ज़्यादा हैवी ट्रैफिक हो जाता है, वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा क्लाइंट वॉल्यूम बढ़ जाता है। तो इस केस में दोस्तों क्या होता है कि सर्वर जो होता है उससे जितने भी कनेक्टेड क्लाइंट हैं उन सभी को रिस्पॉन्स टाइम पर नहीं कर पाता, और इसमें दोस्तों क्या होता है यहाँ पर कनेक्शन टाइम आउट आ जाता है, क्योंकि वो डिसाइडेड टाइम में सर्वर जो है क्लाइंट तक रिस्पॉन्स नहीं कर पाता, तो एक पैन एरर ही आ जाता है। तो इस तरीके के भी एरर आ रहा हो सर्वर के साइड से, तो इसमें हम लोग क्या करें। यहाँ पर दोस्तों आप लोग क्या कर सकते हैं, सबसे पहला तो ये है कि आप लोग किसी अदर वेबसाइट को यूज़ कर सकते हैं, सेम इन्फॉर्मेशन कहीं और आपको मिल रही हो। या फिर दोस्तों यहाँ पर सेकेंड चीज़ ये होती है कि आप उस टाइम पीरियड पे जो उस वेबसाइट को यूज़ करें जब वहाँ पर ट्रैफिक कम होता है, जैसे कि बात करें लेट नाइट में, मिड नाइट में यहाँ पर ट्रैफिक कम हो जाएगा, अर्ली मॉर्निंग में यहाँ पर ट्रैफिक कम हो जाएगा, तो ऐसे एक टाइम को डिसाइड करके आप लोग उस वेबसाइट को यूज़ कर सकते हैं। जिसके आपने देखा भी होगा जब भी कोई ऑनलाइन फॉर्म वगैरह भरते हैं तो वहाँ पर लोग क्या करते हैं कि मिड नाइट को काम करते हैं या फिर बहुत सुबह सुबह यहाँ पर फॉर्म को फिल करते हैं, क्योंकि उस टाइम पर जो सर्वर होता है उस पर ट्रैफिक काफ़ी ज़्यादा कम होता है और सर्वर टाइम आउट की प्रॉब्लम नहीं आती है। तीसरी चीज़ दोस्तों इसमें हम लोग ये कर सकते हैं कि आपको जो ब्राउज़र होता है उसमें दोस्तों सेटिंग के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा सर्वर टाइम आउट की सेटिंग, और वहाँ पर दोस्तों आप चाहें तो उस टाइम को बढ़ा सकते हैं। सो गाइस यहाँ पर ये मेन यहाँ पर काम कर सकते हैं यदि सर्वर की तरफ से दोस्तों ये सर्वर टाइम आउट की जो प्रॉब्लम है वो आ रही हो तो। अब गाइस यहाँ पर हम लोग बात करते हैं कि यदि क्लाइंट की तरफ से प्रॉब्लम आ रही है सर्वर टाइम आउट की, तो यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा। सो गाइस यहाँ पर क्लाइंट की तरफ से यदि प्रॉब्लम आ रही है तो मेनली यहाँ पर कुछ रीजन होते हैं, जैसे कि पहला रीजन ये हो सकता है कि आप जिस भी डिवाइस पे इंटरनेट का यूज़ कर रहे हो वहाँ पर प्रॉपर इंटरनेट कनेक्शन बिल्ड नहीं हो पा रहा हो। हो सकता है आपका जो नेटवर्क ऑपरेटर है, जो टावर है, उससे आपके डिवाइस तक जो है प्रॉपरली नेटवर्क बिल्ड नहीं हो रहा, कम्युनिकेशन सही से नहीं हो रहा, आपका प्रॉपर इंटरनेट नहीं चल रहा है। तो इस केस में दोस्तों सिंपली आपको यहाँ पर दोस्तों एक स्टेबल नेटवर्क कनेक्शन बनाना पड़ेगा, उसके बाद आप उस वेबसाइट का यूज़ कीजिए तो सर्वर टावर की प्रॉब्लम नहीं आएगी। सेकेंड चीज़ दोस्तों यहाँ पर ये भी हो सकती है कि आप किसी भी वेबसाइट का यूज़ कर रहे हो, यहाँ पर यूज़ करने में आप उसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम तक कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है, लाइक उस आर्टिकल है आप उसको पढ़ रहे हैं काफ़ी टाइम लग गया, और दोस्तों काफ़ी टाइम लग गया तो यहाँ पर सर्वर जो टाइम डिसाइड है वो यहाँ पर हो चुका है, और उसके बाद आप किसी भी चीज़ पर क्लिक करेंगे तो सर्वर टाइम आउट आ जाता है। कई बार ये एक प्रॉब्लम होती है। और यहाँ पर दोस्तों एक प्रकार की प्रॉब्लम ये भी होती है जब भी हम लोग कोई फॉर्म वगैरह फिल कर रहे होते हैं तो फॉर्म इतना लेंदी होता है कि फिल करते करते काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है, और ऐसे में सर्वर टाइम आउट की प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि टाइम ज़्यादा लग रहा है तो यहाँ पर दोस्तों कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा सर्वर तक, तो वो दोस्तों यहाँ पर उस पेज को वापस से रिलोड करेगा, सर्वर टाइम आउट की प्रॉब्लम यहाँ पर दे देगा। सो गाइस यहाँ पर ये कुछ प्रॉब्लम होती हैं, और इनको सॉल्व करने के लिए सिंपली आपको जैसे फॉर्म भर रहा है तो जल्दी फॉर्म भरना पड़ेगा, आर्टिकल रीड कर रहे तो बीच बीच में आपको पेज पर कहीं ना कहीं क्लिक वगैरह कर देंगे, तो यहाँ पर दोस्तों ये प्रॉब्लम आप फेस नहीं करेंगे। सो गाइस आई होप आप लोग को समझ में आ गया हो कि आखिर सर्वर टाइम आउट क्या होता है, क्यों आता है, किन किन रीजन से आता है, इसको किस तरीके सही कर सकते हैं। मैंने सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में दे दी, उम्मीद करता हूँ आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आएगी और
वीडियो या कुछ पसंद आया होगा। सो मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो, तब के लिए बाय बाय।